की अप्रैल में सन 72 में जोरा में समर्पण हो गया था, तो जेपी के सामने वो समर्पण इसके पहले भी हुआ था सन 60 में इनोवाजी के सामने। 21 डाकुओं ने समर्पण वहाँ किया था जब वो आगरा से इधर आ रहे थे, तो उस समय जो है भिंड में लोगों ने तहसीलदार ये तहसीलदार से लोकमान देखते थे इन लोगों ने किया था संसार में। तो यहाँ भी बुंदेलखंड में और वहाँ चंबल में डाकुओं का बहुत आतंक था और कई गुरोह थे जो लूटपाट करते थे लोगों को वो करते थे, तो इस कारण से परेशान। तो शांति के काम के लिए ये प्रयास किया गया कि इन लोगों का समर्पण जैसे विनोबा जी के सामने किया था इन लोगों ने, तो इन लोगों के सामने भी समर्पण। कुछ लोग माधव सिंह वगैरह विनोबा जी से मिले तो विनोबा जी ने ये कहा कि तुम जो है मैं तो असमर्थ हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, जेपी से मिलो। तो वो जेपी से मिले, राम सिंह नाम करके, मेरा नाम राम सिंह है और मैं समर्पण करना चाहता हूँ, मेरा गिरोह समर्पण। तो उन्होंने कहा कि अकेले तुम नहीं, पूरे जम्मल घाटी में जो है ये समर्पण का काम होना चाहिए। तो ये वहाँ जो है करीब 560 लोगों ने समर्पण किया था जोरा में। यहाँ भी ये सोचा गया, यहाँ भी कई 7-8 गैंग गए थी जो हम लोगों ने सोचा जो यहाँ गांधी विचार वाले थे कि यहाँ भी इन लोगों का भी समर्पण होना चाहिए। यहाँ जो है उससे भी पुराने 30-32 वर्ष से पुराने लोग थे जो जंगल में थे और वो खासतौर से पुलिस के आतंक के कारण लोगों के कारण, तो इस तरह से यहाँ भी उन लोगों से संपर्क किया गया 72 में और करीब 2-3 माह में और जून में यहाँ पर जो है करीब 150 लोगों ने यहाँ बुंदेलखंड के जो गैंग थे प्रमुख जो एक मूलन सिंह की थी, जबा की थी और मोनी राम साय थी और छुट्टे राजा थे, इस तरह से 7-8 गैंगें थीं जिनमें 150 लोग थे। और उन्होंने जेपी यहाँ 2 बार आए, एक बार तो मिले क्योंकि इसके पहले भी प्रदेश टाइम में उन्होंने समर्पण किया था, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ था, तो वो कहते थे कि हम लोग समर्पण नहीं करेंगे, इस तरह का दुर्व्यवहार हमारे साथ किया गया। तो जेपी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ कोई जो व्यवहार होगा तो मैं बात कर लूँगा, तो अपने जान तक दे दूँगा अगर कोई दुख। तो एक बार मौली डंगले बंगला है यहाँ पर अरे मंगला, वहाँ पर जेपी पहली बार प्रमुख गैंगों के लीडरों से मिले। फिर यहाँ पर जो है जून में जो है यहाँ पर 150 आप इसी लाइब्रेरी हॉल में चर्चा हुई, तो यहाँ से जगह कम पड़ती थी, बहुत ही परिसर छोटा था, इसलिए जो वो ग्राउंड है मतलब स्टेडियम स्टेडियम हाँ स्टेडियम यहाँ बना हुआ है महाराजा कॉलेज का, उस स्टेडियम में वो जगह हुई, तो हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ भी उपस्थित हुए और उन जेपी के सामने सब लोगों ने अपनी बंदूकें रखी और फिर उनका जो है पुनर्वास का काम था। तो पहले तो वहाँ मुंगावली में जो है उनको रखा जाना था, तो वो वहाँ रहे, लेकिन यहाँ के लोग जो डाकू थे वो उनको नहीं मानते थे, आपस में झगड़ते थे, तो पन्ना के पास लखीमपुर में उन्हें रखा गया और जो है 10 साल तक रहे, क्योंकि आजम
बाराबाद 10 साल का ही होता होता था। तो इसके बाद उनका पुनर्वास हुआ, तो वो अपनी अपनी जगह रहे। जब से यहाँ बुंदेलखंड में भी शांति है और कोई वो नहीं है यहाँ, क्योंकि जंगल बहुत है, इसलिए जंगल का सहारा लेकर के इन लोगों के क्षेत्र बटे हुए थे और जो है क्षेत्र में अपनी जगह वो वारदात करते थे। कोई भी बड़ा आदमी रह नहीं पाता था, सब शहरों में या जो दूर भाग गए। तो उस समय से 72 से यहाँ पर भी शांति। आप उस समय थे, सब चीजों को देखा, कुछ पूछना हो? आप उस समय यहीं पर थे और आपने सब अपनी आंखों से देखा? बराबर रहा उस समय, हम 7-8 लोग थे जो संपर्क करते थे और हमारे और यहाँ पर लोकमान दीक्षित और तहसीलदार सिंह यहाँ आ गए थे चंबल घाटी से, जिन्होंने समर्पण कराया था, तो उनके साथ लेकर के गैंगों से प्रमुख गैंगों से मिले और उनसे संपर्क किया। 1 महीने तक उनसे संपर्क हुए, तो लोगों की अलग अलग वो मांगे थी, तो उन्होंने कहा कि तो तुम्हारी जो मांगे होंगी वो अवश्य पूरी होंगी। किसी ने कहा कि हमारे किताब का किताब करना है अपना ये, तो इस तरह से करीब 2 माह उनको लगभग अपने हिसाब किताब, हथियार भी उनके पास बहुत थे, तो उसमें कई अगर बहुत हथियार के साथ समर्पण करेंगे तो उनके अनेक मुकदमे चलेंगे कहाँ से आएंगे, इसलिए 1 हथियार के साथ ही वो समर्पण किया, बाकी हथियार उन्होंने नष्ट किए। बढ़िया।